स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आप लोगों के लिए एक फिर से एक नया रेसिपी लाई हूँ, लाल साग। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लाल साग है। इसको मैंने उबाल लिया है, दो सीटी लगा लिया। इसमें चार से पांच हरी मिर्च डाला है और चार से पांच लहसुन का टुकड़ा डाला है साबुत, और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसे उबाल लिया है। अब इसे बनाते हैं। चलिए, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। आप देख सकते हैं, उसके बाद ये हमारा सारा मसाला ऐड करेंगे। धनिया पत्ता है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज काफ़ी हद तक हो चुका है। इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन ही रखेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे, हमने और साग में डाल रखा है। ऐसे पकाएंगे, टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा जब तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला पक रहा है। अब ये हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे बॉयल लाल साग। ये हमारा बॉयल है, ये रेड कलर का साग है। तो सारा इसके अंदर सावधानी से डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। ये देख सकते हैं आप, करछुल के सहायता से इसे अच्छी तरीके से तोड़ तोड़ के मिक्स कर लें। इस तरह से आप तोड़ेंगे और इसे मिक्स कर लें। अब हम इसे ढककर पकाएंगे, इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाना चाहिए। 5 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो चुका है। चलिए इसे देखते हैं और अच्छी तरह से भून लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा जले ना। आप देख सकते हैं हमारा पानी खुश्क हो रहा है, बिल्कुल पानी को खुश्क कर लेना है। अभी इसे 5 मिनट और पकाएंगे, ढक के पका लेंगे। ये मैंने ढक दिया। चलिए देखते हैं, 5 मिनट फिर से हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा साग लगभग तैयार है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करें, तोड़ लें साग को।
ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप लोग साग ज़रूर खाया करें, बहुत ही हेल्दी होता है। अभी हमारा साग तैयार है, अभी